नमस्कार, प्रणाम। इन्फॉर्मेशन बिल पीके पर सभी सहारा पीड़ित जमाकर्ता साथी व सम्मानित कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। एक और नई वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। दोस्तों, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि क्या सहारा के ऑफिस खुलने लगे हैं। तो जी हां, आप लोगों के मुताबिक हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाले हैं कि सहारा के ऑफिस खुलने लगे हैं या नहीं। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं और जो सहारा ऑफिस खुलने को लेकर जानकारी जो मिल रही है कि सहारा के ऑफिस खोले जाएंगे, तो उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं। और साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि हमने रिसबमिशन पोर्टल पर कर दिया है और रिसबमिशन किए हुए काफ़ी दिन भी हो गए हैं, फिर भी CRCS पोर्टल के माध्यम से अभी तक हमें कोई भी भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। तो यदि आप लोगों ने भी रिसबमिशन किया है तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि CRCS पोर्टल से लगातार कंटिन्यू भुगतान हो रहा है और सहारा ऑफिस जो खोले जाने की उम्मीद लग रही है उसकी भी जानकारी हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है, तभी जानकारी समझ में आएगी। और साथ ही साथ चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को प्रेस कर ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो आइए सहारा बंधु, हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों सहारा ऑफिस खोलने को लेकर बात करने वाले थे। तो सहारा ऑफिस खोलने की अगर बात की जाए तो सहारा के ऑफिस जो हैं अभी तो नहीं खुलने वाले हैं। हो सकता है आपको कहीं से गलत खबर की जानकारी मिल गई हो। अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन या कहीं पर भी ऐसा ऐलान नहीं हुआ है कि सहारा के ऑफिस जल्द ही खोले जाएंगे। तो अभी कहीं पर भी सहारा के ऑफिस खोलने को लेकर जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। जैसे ही सहारा ऑफिस खोलने को लेकर कोई भी जानकारी मिलेगी तो बेफिक्र रहिएगा, हम आपको तुरंत चैनल के माध्यम से बताएंगे। लेकिन हाँ, CRCS पोर्टल से रिसबमिशन वालों को तो ज़रूर पैसा मिल रहा है, इस खबर को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शायद आपने, शायद क्या, लगभग सभी लोगों ने सहारा पोर्टल पर अपना आवेदन भी किया होगा, क्लेम भी किया होगा, तो उससे जो भुगतान प्राप्त हो रहा है लोगों को रिसबमिशन करने के बाद में, तो इस खबर को जानिएगा। अगर आपने रिसबमिशन किया है भाई CRCS पोर्टल के जरिए, तो आपको भी भुगतान मिलेगा। कितने दिन हो गए हैं आपको रिसबमिशन किए हुए, नीचे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको अभी 10 या 15 दिन ही हुए हैं CRCS पोर्टल पर आपने रिसबमिट किया है, यानी कि अपनी त्रुटियों को संभाल कर फिर से रिसबमिशन किया है, तो आपको अभी हो सकता है पैसा न मिले। क्योंकि परसों हमारे पास एक मैसेज आया हुआ था, एक जमाकर्ता साथी थे, उनका 1-1.5 महीने के बाद में रिसबमिशन का पैसा मिला। लगातार कंटिन्यू भुगतान 50,000 निवेशक साथी को मिल रहे हैं। तो आप लोग अगर रिसबमिशन किए हैं तो आप लोग निश्चिंत बेफिक्र रहिएगा, आपका भी भुगतान CRCS पोर्टल के जरिए बहुत ही जल्द, कुछ ही दिनों में मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपने सहारा रिफंड पोर्टल पर अप्लाई किया है, रिसबमिशन किया है, तो आपको भी भुगतान जल्द मिलेगा। तो ये थी आज की खबर। इस समय कोई ख़ास खबर निकल कर नहीं आ रही है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।